एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी, दिस इज हिरपा सरोज। एंड आज के यूपीपीएससी माइंस फैक्टर क्लास में हम माइनिंग जियोलॉजी का कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब जो धमाकेदार एमसीक्यूज हैं। इसके बिना, इसको देखे बिना आप मतलब एग्जाम देने जाइएगा मत, पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो क्वेश्चन है ये काफी अच्छे क्वेश्चन है, मतलब जैसे एक होता नहीं है कि बेसिक क्वेश्चन है, इसके बिना आप आई थिंक जियोलॉजी पढ़ना मतलब एक ऐसा होगा कि जैसे आपने पढ़ा ही नहीं है ना। तो अगर देखो, तीन तरीके के लोग हैं, है ना, इस धरती पे तीन तरीके के लोग पाए जाएंगे। एक तो वो जिनको 100% मतलब लगता है कि नहीं है, मेरी तैयारी है और उनको बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्ट के साथ वो जो है इसको देखेंगे, एज्यूम करेंगे कि नहीं देखो मैं कितना कर पा रहा हूँ उसमें, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले जो ये हैं उनको लगता है कि वो फ्रेशर है एकदम, और उनको लगता है कि अरे भाई तो सब मेरे लिए नया है, अगर स्टार्टिंग से देखेंगे, जीरो लेवल से देखेंगे। और एक वो है जो 50% हाँ आता है और 50% नहीं आता है, तो उन्होंने जो है इसे ग्रेजुएशन कर लिया है। तो वो लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन भी कर लिया और फिर ये होता है नहीं कि ग्रेजुएशन भी कर लिया और आ भी नहीं रहा कुछ, तो मतलब ग्रेजुएशन भी कर लिया और आ भी नहीं रहा कुछ, मतलब ये है कि चलो ठीक है पढ़ा होगा लेकिन भूल गए हैं। तो उसी इस तरीके के लोग हैं, तो सारे लोगों के लिए है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेसिफिक जिन्होंने जियोलॉजी से ग्रेजुएशन करा सिर्फ उन्ही लोगों के लिए। अब जब यूपीपीएससी का माइंस फैक्टर वाला जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें आपका जियोलॉजी का पोर्शन और इंजीनियरिंग यानी माइनिंग इंजीनियरिंग का पोर्शन जो है आएगा, ठीक है। तो उसमें से आज के क्लास में हम यही देखेंगे क्या एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो अगर आप इसका पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो यूपीपीएससी माइंस फैक्टर का, तो जरूर से जरूर कॉन्टेक्ट करिए हमें इस नंबर पर। ये जो नंबर आपको दिख रहा है व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। यहाँ से आप जो भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस क्लासेस यू कैन आस्क फ्री, ओके। तो उसके बाद फिर जो है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप टीचमेंट पे ज्वाइन कर सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए, बहुत ज्यादा बातें हो गई। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाट प्रिंसिपल ऑफ लैंड फॉर्म कंस्ट्रक्शन वुड बी यूटिलाइज्ड टू डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट दैट अ लावा फ्लो कटिंग अक्रॉस अ लेयर ऑफ रॉक इज यंगर देन द ओरिजिनल रॉक लेयर। अब कहता है कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है लैंड फॉर्म कंस्ट्रक्शन का, यानी कि जो लैंड फॉर्म्स होते हैं ना जैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो वुड बी यूटिलाइज टू डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट दैट लावा फ्लो कटिंग अक्रॉस अ लेयर ऑफ रॉक इज यंगर देन द ओरिजिनल रॉक लेयर। कहता है कि जैसे कौन सा लैंड फॉर्म कंस्ट्रक्शन का हम प्रिंसिपल उठाएंगे जिससे हम ये डिस्क्राइब कर सकें कौन सा कॉन्सेप्ट कि भैया जो लावा फ्लो कटिंग होता है ना लेयर ऑफ रॉक्स में, तो ये कहता है कि जो ये लावा कटिंग होता है ये छोटा होता है, यंगर होता है जो ओरिजिनल रॉक लेयर, जैसे कि कुछ ओरिजिनल रॉक लेयर्स हैं, है ना, और कुछ रॉक लेयर कैसे हैं उनका लावा फ्लो कटिंग हो जाता है उनके रॉक्स के किनारे किनारे, ठीक है। तो ये दोनों में कह रहा है कि ये जो ये वाला है रॉक कटिंग वाला है वो यंगर होता है इन कंपेरिजन टू ओरिजिनल रॉक लेयर। तो वही कह रहा है कि किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होगा। तो यहाँ पे बोलता है कि पहला जो ऑप्शन दिया आपका द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन, ठीक है, दूसरा दिया है इरोजन, तीसरा दिया है क्रॉस कटिंग रिलेशन, या फिर द प्रिंसिपल ऑफ कन्फॉर्मिटी। तो याद रखिएगा जब ये क्वेश्चन ये पूछे आपसे कि लैंड फॉर्म कंस्ट्रक्शन को हम कब यूटिलाइज कर सकते हैं और फिर इसको हम ये डिस्क्राइब करेंगे, ये कॉन्सेप्ट जो बताया जा रहा है यहाँ पे, तो याद रखिएगा इसको हम क्रॉस कटिंग रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। इमेज में देख पा रहे हो ये क्या हुआ, ये इस तरीके से लैंड फॉर्म कंस्ट्रक्शन हुआ, तो जो आपका ओरिजिनल रॉक्स है ना, ओरिजिनल रॉक्स है, उसके बाद जो आपका ये यंगर रॉक्स होता है उसके बीच का जो कॉन्सेप्ट समझा रहा है यहाँ पे कि जो लावा कटिंग लावा फ्लो कटिंग हो जाता है अक्रॉस द लेयर ऑफ रॉक वो यंगर है इन कंपेरिजन टू ओरिजिनल रॉक लेयर्स, ठीक है। क्रॉस कटिंग रिलेशनशिप अगर हम समझें तो एक प्रिंसिपल है जियोलॉजी का, वो क्या बताता है, जो भी जियोलॉजिक फीचर है वो क्या करते हैं एक दूसरे को कट कर देते हैं, मतलब दो यंगर फोल्ड्स में, जैसे कि ये देख पा रहे हो, ये देखो यहाँ पे ये बड़ा वाला पोर्शन है, ये क्या है छोटा वाला पोर्शन, तो ये यंगर फोल्ड हो जाएगा, ये क्या है ये बिगर फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दोनों को कट कर दें तो इसको हम क्रॉस कटिंग रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से लैंडफॉर्म कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये दो दो हिस्सों में इसको बांट देता है। अच्छा, ये रिलेटिव डेटिंग टेक्निक है जो जियोलॉजी में यूज करते हैं इसको, ओके। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू हमारा क्या कहता है, व्हाट इवेंट इज लाइकली टू प्रोड्यूस एन अनकन्फॉर्मिटी एन एरिया वेयर एन ओल्डर रॉक लेयर ऑफ रॉक हैज इरोडेड एंड इज कवर्ड बाय अ न्यूअर लेयर। कि कौन सा इवेंट इसमें से हो सकता है जो मतलब अनकन्फॉर्मिटी को प्रोड्यूस कर दे, मतलब एक ऐसा एरिया जहां पे जो ओल्डर लेयर होते हैं रॉक्स के वो इरोड हो जाए, मतलब इरोड मतलब कि वहां से हट जाना, ठीक है, खत्म कर देना वहां पे, और उसको मतलब इरोड मतलब कि ढक देना, ठीक है, और उसको वो कवर हो जाता है एक न्यूअर लेयर से, मतलब एक नए लेयर से वो कवर हो जाता है। तो ये किसके द्वारा हो सकता है, देखो फ्रिक्शन, विंड, वाटर, या फिर सारे ही, तो सारे से ही तो हो सकता है ना, फ्रिक्शन से भी, विंड से भी, वाटर से भी, तीनों फैक्टर हो सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल द अबव, ओके। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, बायोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर आर। कहता है कि जो बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर है ये क्या है, कि सेलेशियल स्फीयर है, मिनरल टाइप्स है, जियोलॉजिकल सबसिस्टम है, या फिर अर्थ मटेरियल है।
तो सेलेशियल स्फीयर तो होगा नहीं, मिनरल्स टाइप भी नहीं है, ये अर्थ का मटेरियल भी नहीं है, ये जियोलॉजिकल सब सिस्टम है, ठीक है, जियोलॉजिकल सब सिस्टम है। जैसे कि आपने सुना होगा बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, है ना, एटमोस्फीयर, ये सब क्या, ये सब जो है आपका एक जियोलॉजिकल सब सिस्टम है। तो हम थोड़ा बायोस्फीयर के बारे में देखते हैं, फिर हाइड्रोस्फीयर के बारे में देखते हैं। तो बायोस्फीयर जो बन किससे बनता है, जो अर्थ का पार्ट है ना, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसी को हम बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। तो बायोस्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम द डीपेस्ट रूट सिस्टम ऑफ ट्रीज टू द डार्क एनवायरमेंट ऑफ ओशन ट्रेंचेस टू रेन फॉरेस्ट हाई माउंटेन टॉप्स। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब हाइड्रोस्फीयर, जहाँ हाइड्रोस्फीयर को क्या बोलोगे, देखो हाइड्रोस्फीयर मतलब टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अ प्लैनेट, मतलब हमारे प्लैनेट पे, हमारे जो पृथ्वी है उस पर कितना टोटल अमाउंट है वाटर का, उसी को हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ओके ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ फोर्थ हमारा कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लास्ट स्टेज इन द इरोशन ऑफ जियोलॉजिकल फीचर दैट राइज अबव द डेजर्ट फ्लोर। कहता है कि ऐसा कौन सा चारों ऑप्शन में से जो लास्ट स्टेज है इरोजन का, मतलब एक जो कि एक जियोलॉजिकल फीचर है सबको पता है, वो क्या होता है, दैट राइजेस अबव द डेजर्ट फ्लोर, मतलब जो डेजर्ट फ्लोर है उससे एकदम ऊपर उठ जाता है, ऐसा कौन सा लास्ट स्टेज है इरोजन का। इरोजन तो होता है नॉर्मल पता है, लेकिन जो लास्ट स्टेज होता है इरोजन का उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्ट्स बोलते हैं बिल्कुल नहीं, मेसास बोलते हैं बिल्कुल नहीं, प्लैट्यूज बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, या फिर ब्यूट्स बोलते हैं, इसको हम ब्यूट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्यूट्स। देख पा रहे हो इमेज में, जब भी आप, चलो मान लो आपको एग्जाम में इस तरीके से इमेज तो नहीं देगा, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए कि ब्यूट्स हम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इरोजन का ये लास्ट स्टेज है जो कि एक जियोलॉजिकल फीचर होता है, जो कि कहाँ से राइज हो जाता है, डेजर्ट फ्लोर से एकदम ऊपर की ओर उठ जाता है, तो इस तरीके से बना लेगा, ठीक है, देख पा रहे हो इमेज में, इसी को हम ब्यूट्स बोलेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द प्रोसेस ऑफ हैबिटेबल लैंड टर्निंग इनटू अनइनहैबिटेबल लैंड इज नोन एज डैश इवापोरेशन, डिजर्टिफिकेशन, ट्रांजिशन या फिर इरोजन। तो कहता है कि एक ऐसा प्रोसेस, मतलब हैबिटेबल लैंड का हैबिटेबल मतलब जहाँ पे लोग रहते हों, अब वो क्या बन जाए, जहाँ पे लोग का रहना पॉसिबल ना हो, मतलब इनहैबिटेबल जोन बन जाए वो, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मतलब जैसे कोई जमीन है जहाँ पे लोग रह रहे हैं लेकिन वो बंजर हो जाए तो वहाँ पे कोई रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, तो इनहैबिटेबल लैंड बन जाएगा वो, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, वाष्पीकरण थोड़ी ना हो जाएगा, डिसर्टिफिकेशन ये हो सकता है, ट्रांजिशन बिल्कुल नहीं, इरोजन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये डिसर्टिफिकेशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिसर्टिफिकेशन याद रखिएगा, द प्रोसेस ऑफ हैबिटेबल लैंड टर्निंग इनटू अनइनहैबिटेबल लैंड इज नोन एज डिसर्टिफिकेशन। ऑल राइट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। डैश आर नेचुरली फॉर्म सब्सटेंसेस विदाउट अ पर्टिकुलर एटमिक स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन। कहता है कि एक ऐसा नेचुरली फॉर्म सब्सटेंस होता है विदाउट अ पर्टिकुलर एटमिक स्ट्रक्चर, मतलब बिना किसी केमिकल कंपोजिशन के ये एक नेचुरली फॉर्म सब्सटेंस है, उसका नाम क्या है, एक रॉक है, डायमंड है, प्रेसियस स्टोन्स है या फिर मिनरल्स है। तो भैया ये रॉक्स ही होगा ना, रॉक्स जो है ऑटोमेटिक नेचुरली फॉर्म सब्सटेंस है, ठीक है, इसमें कोई भी केमिकल कंपोजिशन या फिर पर्टिकुलरली कोई एटमिक स्ट्रक्चर नहीं बनता है इसमें, ठीक है, तो ये रॉक्स हो जाएगा। ऑलराइट, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमारा, विच ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ द फोर स्फीयर ऑफ अर्थ दैट आर सेट टू ड्राइव ऑल इट्स फोर्सेस एंड सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ। अब कुल मिला के यहाँ पे क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि भैया इसमें से ये बताओ कि अर्थ का स्फीयर इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो भी स्फीयर है अर्थ के वो क्या करते हैं, क्या हेल्प करते हैं हमको, तो जो भी सपोर्ट है ना, सपोर्ट होता है जो एक लाइफ प्रोवाइड करते हैं प्लैनेट पे, जैसे कि आप सभी को पता है 5 तत्वों से मिलकर हमारा प्लैनेट बना हुआ है, तो बस वही चीज है कि यहाँ 4 स्फीयर्स जो है हमारे पृथ्वी के, ठीक है, तो उसी में कह रहा है कि इसमें से कोई एक नहीं है, वो बताना आपको कौन नहीं। तो हाइड्रोस्फीयर सबको पता है कि जल की बात करता है कि टोटल वाटर कितना है पृथ्वी पे, अब ये लिथोस्फीयर की बात करता है कि टोटल लैंड कितना है, एटमोस्फेयर कितना एयर है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, ये जो है आपका डी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा एक नहीं है, हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, एटमोस्फेयर है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, और बायोस्फीयर भी होगा, तो ये यहाँ पे जियोस्फीयर दिया हुआ है, ये नहीं होगा, इसको गलत हो जाएगा, ठीक है, सही कर लीजिएगा इसको। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रीसियस रॉक। कहता है कि ऐसा कौन सा इसमें से एग्जांपल है प्रीसियस रॉक का, तो सबसे पहले तो ये जानो कि प्रीसियस रॉक होता क्या है। देखो अभी मॉडर्न यूज की बात अगर हम करें तो प्रीसियस स्टोन में आपका एमिराल्ड हो जाएगा, ठीक है, एमिराल्ड, ये सब एकदम शाइनिंग करते हैं, ये सब जो रॉक्स होते हैं, रूबी हो जाएगा, ठीक है, सैफायर हो जाएगा और डायमंड हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, कॉपर दिया है, तो डायमंड जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रीसियस रॉक्स में आ जाएगा, ठीक है, एमिराल्ड, रूबी, सैफायर, ये सब प्रीसियस रॉक्स में आ जाएंगे। ओके, इसमें और भी जेम स्टोन होते हैं जिनको सेमी प्रीसियस बोला जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 9 पे, हाउ इज इग्नियस रॉक फॉर्म। कहता है कि जो इग्नियस रॉक होता है वो कैसे फॉर्म होता है
है ना, तो सेडिमेंट एक्यूमुलेट्स ओवर टाइम, मॉल्टन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाई, एग्जिस्टिंग रॉक चेंजेस ड्यू टू हीट, एग्जिस्टिंग रॉक चेंजेस ड्यू टू फ्रिक्शन. तो देखिए, मैंने इसको आपको जो पैट्रोलॉजी पढ़ाया था तब बताया था कि इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म होता है, जो हमारा पेट क्लासेस उसमें बताया था, ठीक है. तो अगर आपने ज्वाइन करा हो तो आप इसको समझ लोगे. तो इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म होता है भैया? मॉल्टन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाई. देखो, जब मॉल्टन मैग्मा, ठीक है, निकलता है तो क्या होता है, वो जब ठंडा हो जाता है उसके बाद फिर वो हार्ड हो जाता है. तब उस तरीके से बहुत समय हो जाता है, बहुत समय हो जाता है, तब जो है इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत. चलो आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10. डीपर रॉक आर इन अर्थ द डैश इट हैज टू बी मेल्ट देम बिकॉज डैश कीप्स देम इन अ सॉलिड स्टेट लॉन्गर. कहता है कि जो डीपर रॉक्स होता है ना अर्थ में, तो क्या होता है, क्या होता है वो डीपर रॉक्स जो है पृथ्वी के अंदर, वो क्या होता है, वो हॉट होते हैं, ठीक है, हॉटर. इट हैज टू बी मेल्ट देम. तो कहता है कि जो डीपर रॉक्स होते हैं पृथ्वी के अंदर वो हॉट होते हैं, ठीक है. अब उसको वो मेल्ट होंगे, ठीक है, वो मेल्ट करेंगे उसको रॉक्स को, जिस क्योंकि क्योंकि ग्रेटर प्रेशर कीप्स देम इन अ सॉलिड स्टेट लॉन्गर. जो ग्रेटर प्रेशर, जो प्रेशर पड़ता है ना, तो क्या करता है उनको जो है सॉलिड स्टेट में रहने के लिए काफी ज्यादा बाध्य करता है, ठीक है. तो ये इस तरीके से समझो इसको, ठीक है. ऑप्शन सी राइट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11. टाइलर स्पेशलाइजेस इन द लोकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ प्रीसियस ओर. व्हाट टाइप ऑफ जियोलॉजिस्ट इज टाइलर? तो जो टाइलर है ना, वो काफी ज्यादा प्रीसियस ओर्स के बारे में, उसके वैल्यू को काफी ज्यादा इन्होंने लोकेट करा, स्पेशलाइज करा काफी ज्यादा. तो किस टाइप के जो जियोलॉजिस्ट थे टाइलर, क्वेश्चन में कहा जा रहा है. नेटिव मिनरोलॉजिस्ट थे, इकोनॉमिक जियोलॉजिस्ट थे, या फिर मेटलॉजिस्ट थे, या फिर स्ट्रेटिफिकेशन जियोलॉजिस्ट थे. तो याद रखिएगा, ये इकोनॉमिक जियोलॉजिस्ट थे. क्या थे? इकोनॉमिक जियोलॉजिस्ट, ठीक है. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक? कहता है कि अर्थक्वेक में फोकस क्या होता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब समझ लो कि आ गया फोकस से क्वेश्चन, आना ही आना, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है. आ जाओ अब फोकस के बारे में देखेंगे. तो ऑप्शन दिया हुआ है, बेस्ड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ द लार्जेस्ट सेस्मिक वेव, द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस. तो कहते हैं द प्लेस विद इन द अर्थ वेयर एनर्जी रिलीज या फिर ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड. पहली बात तो ये तो होगा नहीं, और ये किसी भी एम्पलीट्यूड पर बेस्ड नहीं है, ठीक है, ये तो होगा नहीं. द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस. तो पहली बात तो ये कि ये जब फोकस के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर फोकस दे दिया ऑप्शन में, तो बिल्कुल होगा ही नहीं. इसको हम एपिसेंटर बोलते हैं, ओके. ये जो बोल रहा है द प्लेस विद इन द अर्थ वेयर एनर्जी इज रिलीज, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा. फोकस क्या बोलते हैं अर्थक्वेक में, मतलब ये एक ऐसा प्लेस है, मतलब अर्थ के अंदर जहाँ पे रिलीज होता है एनर्जी. तो यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया ना, द पॉइंट ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस, इसको हम एपिसेंटर बोलते हैं, ठीक है. व्हेन एनर्जी इज रिलीज एट द फोकस, सेस्मिक वेव ट्रैवल आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन. अब आ जाते हैं क्वेश्चन 13 पे. व्हाट इज द डिफरेंस इन इंटेंसिटी बिटवीन इन अर्थक्वेक विद रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड ऑफ 5 एंड 8? कहता है कि जो डिफरेंस है इंटेंसिटी का, मतलब अर्थक्वेक का जो रिक्टर मैग्नीट्यूड है 5 और 8 के बीच का, वो क्या है. यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है द प्लेस विद इन द अर्थ वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड बेस्ड ऑन एल्टीट्यूड ऑफ द लार्जेस्ट सेस्मिक वेव, डाटा फ्रॉम 3 सेस्मिक स्टैटिन इज यूज्ड टू ट्रायंगुलेट द लोकेशन ऑफ एपिसेंटर, या इंक्रीज ऑफ 1 फोल्ड इंक्रीजेस ऑफ 1 ऑन द स्केल इज इक्वल टू 10 फोल्ड इंक्रीज इन द इंटेंसिटी. इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज ऑफ 1 फोल्ड, इंक्रीज ऑफ 1 ऑन द स्केल इज इक्वल टू 10 फोल्ड इंक्रीज इन द इंटेंसिटी, ठीक है. अगर मान लो एक फोल्ड इंक्रीज होता है तो किसके बराबर हो जाएगा, 10 फोल्ड इंक्रीज होता है अगर इंटेंसिटी में. तो ये यहाँ पे बताता है कि जैसे कि 5 में अगर एक फोल्ड इंक्रीज हुआ तो 8 में 10 फोल्ड इंक्रीज हो जाएगा. इस तरीके का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है. अब आ जाते हैं क्वेश्चन 14 पे. व्हाट इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ सेस्मिक वेव? कहता है कि जो फास्टेस्ट टाइप का जो सेस्मिक वेव होता है वो क्या होता है. रिस्टर स्केल, सेकेंडरी वेव, प्राइमरी वेव, 3 सेस्मिक स्टेशन. दोस्तों याद रखिएगा, प्राइमरी वेव जो है ना, एक गजब का, मतलब फास्टेस्ट टाइप ऑफ सेस्मिक वेव है. जैसे मैंने आपको सेस्मिक वेव पढ़ाया था, ठीक है, वेव्स पढ़ाया था मैंने आपको, पी वेव, एस वेव, है ना, लव वेव, मैंने आपको पढ़ा चुके हैं उसको हम आपको. तो देखो, मैंने आपको सेस्मिक वेव जब पढ़ाया था तो उसमें पी वेव, एस वेव, लव वेव, रिले वेव तो बताया था, ठीक है. तो उसी का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है. फास्टेस्ट टाइप ऑफ सेस्मिक वेव पूछे तो पी वेव्स लगा दीजिएगा. पी वेव्स मतलब प्राइमरी वेव, ठीक है. अच्छा, तो ये देखो, पी वेव जो है ट्रैवल, मतलब ट्रैवल जो है वो फास्ट करता है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू अदर सेस्मिक वेव्स. इसलिए इसको अर्थक्वेक अगर आता है तो पहला सिग्नल इसी को मिलता है, सबसे पहले यही पहुंचता है, ठीक है, अफेक्टेड लोकेशन पे. मतलब जैसे सिस्मोग्राफ में ये शो करता है कि भैया पी वेव जो है पहुंच गया, मतलब पी वेव सबसे पहले आता है, समझ लो, तभी अर्थक्वेक आता है, ठीक है. पी वेव जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है गैस, लिक्विड और सॉलिड, यानी तीनों मीडियम में ये ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, ये समझिए.
अच्छा तो अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट वेयर डू मोस्ट अर्थक्वेक अकर, कहता है कि ज्यादातर जो अर्थक्वेक होते हैं भूकंप जो भूकंप आता है वो कहाँ पे अकर होता है। अलोंग प्लेट बाउंड्रीज पे, ओशनिक डाइवर्जन बाउंड्रीज पे, लैंडस्लाइड पे, लिक्विफिकेशन पे। तो याद रखना कि जो ज्यादातर जो अर्थक्वेक आते हैं वो अलोंग प्लेट बाउंड्रीज पे ही आते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, अलोंग प्लेट बाउंड्रीज पे ही आते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हाउ मेनी सेस्मोग्राफ्स आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द एपी सेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक। कहता है कितना सेस्मोग्राफ चाहिए होता है ताकि हम जो एपी सेंटर जो अर्थक्वेक का जो एपी सेंटर है उसका लोकेशन हम डिटरमाइन कर सकें, ठीक है। तीन, याद रखिएगा, तीन सेस्मोग्राफ चाहिए होता है ताकि हम एपी सेंटर जो अर्थक्वेक का एपी सेंटर है वो उसका लोकेशन हम डिटरमाइन कर सकें, ठीक है, पता लगा सकें। याद रखिएगा, तीन सेस्मोग्राफ चाहिए होता है। अच्छा यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हमें मैग्नीट्यूड नापना है तो किस स्केल से हम ये मैग्नीट्यूड नापते हैं अर्थक्वेक का, तो याद रखिएगा रिक्टर स्केल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिस्टर स्केल। और ये जो वेव्स होते हैं ये अर्थक्वेक का, वो हम किससे नापते हैं, सेस्मोग्राफ से, ठीक है, सेस्मोग्राफ से याद करते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एंड एस वेव। कहता है जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स पी और एस वेव्स का क्या हो सकता है। ऑप्शन में देखिए, कंप्रेशन वेव्स स्लो सिस्मिक वेव्स 6 किलोमीटर पर सेकेंड, ट्रांसमिटेड थ्रू ओनली सॉलिड, सीयर वेव्स फास्टर 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड, ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड। ये पहला ऑप्शन। दूसरा, शेयर वेव स्लो 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड, ट्रांसमिटेड ओनली थ्रू सॉलिड। कंप्रेशनल वेव द फास्टेस्ट सस्मिक वेव 6 किलोमीटर पर सेकेंड, ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड। चौथा, कंप्रेशनल वेव फास्टेस्ट सस्मिक वेव 6 किलोमीटर पर सेकेंड, ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड। शेयर वेव स्लोअर 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड, ट्रांसमिटेड ओनली थ्रू सॉलिड, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया होता है, देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। पी और एस वेव्स की बात कर रहे हैं तो हम जब कंप्रेशनल वेव्स कह सकते हैं, ये पी वेव्स कंप्रेशनल वेव्स हो गया, फास्टेस्ट सस्मिक वेव है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, पर सेकंड के हिसाब से चलती है। बाकी ये कहाँ ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड लिक्विड गैस दोनों में ट्रैवल कर सकती है। यहाँ पे लिखा है एस वेव शेयर वेव, ये 3.5 किलोमीटर सेकंड के हिसाब से चलती है, ट्रांसमिटर ओनली थ्रू सॉलिड, सिर्फ सॉलिड के मीडियम से, थ्रो ये सिर्फ सॉलिड मीडियम में ट्रैवल कर सकती है। तो आंसर जो है डी राइट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाओ, विच टाइप ऑफ सेस्मिक वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द मोस्ट डैमेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। कैसे, यहाँ पे कहता है कि सबसे भयानक मतलब सबसे डैमेज कर देने वाला सेस्मिक वेव कौन सा है। हमने तो सुना पी वेव, एस वेव, रिले वेव, लव वेव, सबसे भयानक वाला कौन सा है जो सब बहुत ज्यादा तबाही मचा देता है, मतलब एक हाहाकार मचा दे, सब डैमेज कर दे पूरी तरीके से, ताबड़ तोड़ मतलब बुरी हालत हो जाए, तो वो कौन सा सेस्मिक वेव होता है। तो सरफेस वेव, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव या फिर सेस्मिक वेव, कौन सा वेव है वो, तो याद रखिएगा उसको हम सरफेस वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस वेव, ठीक है। तो सरफेस वेव की बात करें तो ये कहाँ पर ट्रेवल करती है, अक्रॉस द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। सरफेस जो अर्थ का सरफेस है उसी के साथ से चलती है, ठीक है, एज अपोज टू थ्रो इट, इसको उठा के मतलब फेंकने के बदले, जैसे ऊपर, जैसे मान लो ये हमारा सरफेस है, हमारा सरफेस है तो इसी के नीचे नीचे चलेगी और इसी को ऐसे करके इस टाइप से उड़ा देगी ऊपर ही, ठीक है। तो ये होता है, तो सरफेस वेव यूजली हैव लार्जर एम्पलीट्यूड, मतलब इसका एम्पलीट्यूड जो है काफी ज्यादा हाइयर होता है, ठीक है, और उसका जो वेवलेंथ है वो भी बहुत ज्यादा हाई होता है, अगर हम बॉडी वेव की कंपैरिजन में देखें तो। और ये जो है बहुत स्लो स्लो ट्रैवल करते हैं बॉडी वेव के कंपैरिजन में, ठीक है। लव वेव और रिले वेव भी सुना होगा आपने, तो ये इसी के प्रकार हैं, ठीक है। लव वेव, एल वेव और रिले वेव इसी के प्रकार हैं, ठीक है, ये समझो, समझ में आया। अब आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज अ सेस्मिक गैप। कहते हैं सेस्मिक गैप क्या होता है, बेस्ड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ लार्जेस्ट सेस्मिक वेव, नो रिलायबल मेथड, एरियाज नोन टू बी under strain that has not produced earthquake, या फिर shear wave slower 3.5 kilometer per second, transmitted only through solids। तो देखो seismic gap मतलब होता है कि area known to be under strain that have not produced earthquake। देखो यहाँ पे लिखा है areas known to be under strain that has not produced earthquake। अब देखो यहाँ पे strain मतलब क्या होता है, strain मतलब ये होता है कि एक ऐसा मान लो कोई pressure पड़ता है किसी चीज पे तो वो pull खिंचाव हो जाता है उसमें, तो वो या तो push हो जाएगा या तो pull हो जाएगा एक physical force की वजह से, लेकिन वहां पर कोई अर्थक्वेक आया नहीं है अभी, तो उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, सेस्मिक गैप, ठीक है। मतलब जैसे मान लो अगर कोई ऐसा एरिया है, यहाँ पे अर्थक्वेक आया, यहाँ पे अर्थक्वेक आया, ये गैप बच गया, यहाँ पे नहीं आया कुछ भी, लेकिन ये खिंचाव की वजह से जो है ये थोड़ा मोड़ा ऐसे खिल गया है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सेस्मिक गैप, ओके। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द सेंटर ऑफ मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। कहता है कि जो सेंटर क्या है, जो लेयर्स आप जानते हो ना, अर्थ के लेयर्स हैं, जिसे आप समझ जानते हो कि अर्थ के लेयर हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, तो ये जो पोर्शन है आपका, एक मिनट देखिए जी, ये है आपका क्रस्ट, ठीक है, ये जो लेयर है ये आपका मेंटल है, ठीक है,
ये जो लेयर है अंदर वाला एकदम कोर है, यहाँ पे कोई पहुंच ही नहीं सकता है, तो ये कोर है ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो सेंटर मोस्ट लेयर है अटका वो क्या है, तो क्रस्ट पहला हो गया ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं किसपे, मेंटल पे। जो मेंटल पे आ जाएंगे तो मेंटल दो भागों में बटा हुआ है, अपर और इनर में ठीक है। अब फिर उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटर और क्या आ जाएगा, इनर कोर। इनर कोर तो इनर कोर जो है आपका, इनर कोर ये आपका सेंटर हो जाएगा मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ का। अर्थ का जो जितने भी लेयर है उसका सेंटर पॉइंट ही हो जाएगा इनर कोर, याद रखिएगा। अच्छा मेंटल क्या है, द लेयर ऑफ अर्थ दैट इज बोथ इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। तो मेंटल एक ऐसा भाग है जहाँ पे लिक्विड और सॉलिड आपको लेयर देखने को मिल जाएगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, द सॉलिड लीस्ट डेंस लेयर ऑफ द अर्थ इज द, कहता है कि जो सॉलिड लीस्ट डेंस लेयर है पृथ्वी का वो क्या है, मेंटल, इनर कोर, क्रस्ट या फिर आउटर कोर। याद रखिए क्रस्ट जो पोर्शन है वो सॉलिड लेंस डेंस लेयर है, जैसे कि हमारा जो पृथ्वी है तो हमारा पृथ्वी का जो ये क्या है, ये क्रस्ट ही तो है, हार्ड सबस्टा, हार्ड लेयर जो है हमारा जिसपे हम रहते हैं चल सकते हैं, तो ये क्रस्ट है, द सॉलिड लीस्ट डेंस लेयर ऑफ अर्थ ओके, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, व्हाट हैपेंस टू डेंसिटी एज यू गो डीपर इन टू द अर्थ, कहता है ये जो पृथ्वी है इसमें आप एकदम अंदर जाते हो ठीक है, ये देखो एकदम अंदर जाते हो, पहले तो आप यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाओगे मेंटल तक। कहता है कि अगर आप डीपर मतलब अंदर गहराई में जाते हो पृथ्वी के, तो जो डेंसिटी है, उसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा, सेम रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, या फिर कुछ भी नहीं होगा, कोई नहीं जानता क्या होगा। तो भैया ये बढ़ जाएगा ठीक है, समझ लो जो डेंसिटी है वो आपका बढ़ते चला जाएगा, और उसी तरीके से टेम्परेचर भी होगा। तो वही दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू टेम्परेचर एज यू गो डीपर इनटू द अर्थ, तो भैया ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस ठीक है, इट इंक्रीजेस, तो आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा जितना आप गहराई में जाओगे पृथ्वी की। क्वेश्चन नंबर 24, द डेंस मेटलिक लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, जो डेंस लेयर है ना हमारे अर्थ का वो क्या है, मेंटल है, आउटर कोर है, क्रस्ट है, या फिर इनर कोर है। जो इनर कोर है इसी को हम डेंस मेटलिक लेयर बोलते हैं ओके ठीक है। तो ये जो हम इनर कोर की बात करेंगे, तो जो सॉलिड मेटल बॉल है ना उसका रेडियस कितना होता है, 12-20 किलोमीटर ठीक है, यानी कि 758 माइल्स कुछ कह रहेगा ये। और ये जो लोकेटेड है कहाँ पे, यानी 6400 से लेके 5180 किलोमीटर के बीच में ये अर्थ सरफेस के अंदर में जो है ये पाया जाता है, यानी समझ लो इतना किलोमीटर अंदर। तो यहाँ पे मतलब ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा आपको, आयरन और निकल ठीक है, एफी और निकल देखने को आपको यहाँ पे ज्यादा मात्रा में, ये मिनरल्स आपको देखने को यहाँ पे ज्यादातर मिलेगा ठीक है। तो डेंस मेटलिक लेयर है ये अर्थ का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, दिस द लेयर ऑन विच वी लिव, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सबको पता होगा कि हम जिस कहाँ पे हम रहते हैं, किस लेयर पे रहते हैं, तो आउटर कोर, ट्रोपोस्फियर, मेंटल, क्रस्ट। तो जब हमारे पृथ्वी है इसको बाहर के लेयर को हम क्या बोलते हैं, आउटर लेयर जो है अर्थ क्रस्ट का, आउटर लेयर जो है अर्थ का वो क्या है, क्रस्ट है। अंदर का जो लेयर है वो मेंटल है, उसके अंदर में जाओगे तो ये कोर हो जाएगा ठीक है, तो क्रस्ट ही तो हुआ ना राइट आंसर, क्रस्ट। आ जाओ क्वेश्चन 26, द आइडिया दैट कॉन्टिनेंट स्लोली मूव ओवर अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड, कहता है कि एक ऐसा आइडिया जहाँ पे कॉन्टिनेंट स्लोली मूव कर गए अर्थ सर्फेस पे, उसको हम क्या बोलते हैं, पंजिया बोलते हैं, पंगिया बोलते हैं, फ्लैट प्लेट टेक्टोनिक बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बोलते हैं, या फिर लैंड मास मूवमेंट बोलते हैं। तो याद रखना कि ये जो कॉन्टिनेंट स्लोली स्लोली मूव कर गए और फिर अर्थ सर्फेस पे आ गए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ठीक है। कैसे, अब इसको भी समझ लेते हैं। देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का बहुत ही अच्छा थ्योरी है ठीक है, इसको समझते हैं। तो ये जो थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये मोस्टली किससे एसोसिएटेड है, एक साइंटिस्ट है, उनका नाम क्या है, अल्फ्रेड वैगनार ठीक है। अल्फ्रेड वैगनार जो साइंटिस्ट है, इन्हीं के द्वारा ये थ्योरी दी गई है। तो 20th सेंचुरी में जो वैगनार है, इन्होंने एक पब्लिश करा था एक पेपर जिसमें इन्होंने ये थ्योरी के बारे में बताया था कि इसमें कॉन्टिनेंटल लैंडमार्क जो है वो ड्रिफ्ट कर गए अक्रॉस द अर्थ, तो समटाइम्स फ्लोइंग थ्रू ओशियन एंड इनटू द अदर। तो किस तरीके से ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का प्रोसेस हुआ, थ्योरी हुआ, ये इन्होंने बताया है ठीक है। तो ये यहाँ पे समझने वाली जरूरत है। अच्छा ये यहाँ पे देख पा रहे हो आप, यहाँ प्लेट टेक्टोनिक्स लिखा है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ लो। तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो एक साइंटिफिक थ्योरी है, वो क्या बताता है कि कैसे मेजर लैंडफॉर्म जो है वो क्रिएट हुए, मतलब किसका रिजल्ट है, ये अर्थ का सबटेरेनियन मूवमेंट की वजह से ठीक है। तो ये थ्योरी जो है इसमें क्या हुआ कि, तो जैसे कि ये बताते हैं कि जैसे जब वोल्केनो हुआ, अर्थक्वेक हुआ, तो कैसे प्लेट बाउंड्रीज एक के ऊपर एक टकराई एक दूसरे से, तो ये जो बन जाता है आपका क्या, प्लेट टेक्टोनिक, जिसके वजह से ये हमारा माउंटेन्स और ये सब बना हुआ है ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ये जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करें, तो जो अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर है ना, और या तो लिथोस्फेयर की बात कर लो, तो जो कि क्रस्ट और अपर मेंटल से बना होता है, ये मतलब छोटे रॉक्स में, प्लेट्स में टूट गए,
अब ये प्लेट्स जो है ये कहाँ पे लाई करते हैं, टॉप ऑफ पार्शियली मोल्टन रॉक ऑफ अर्थ यानी एस्थेनोस्फेयर में ये फिर आ गए। अब ये कन्वेक्शन की वजह से जो इनका एस्थेनोस्फेयर और लिथोस्फेयर का जब कन्वेक्शन हुआ ये, तो ये क्या हुआ कि कन्वेक्शन की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए, ठीक है, ये इनके ऊपर इस तरीके से कन्वेक्शन जब हुआ एस्थेनोस्फेयर और लिथोस्फेयर का, ये प्लेट्स जो है एक दूसरे के ऊपर क्या की रिलेट कर गई, मतलब एक दूसरे के ऊपर मूव करने लगी, ठीक है। तो ये जो इंट्रैक्शन हुआ टेक्टोनिक प्लेट्स का ये रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि हिमालय माउंटेन रेंज बन गया, एशिया में ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट बन गया, सैन एंड्रियास फॉल्ट बना, ये सब इसी की वजह से हुआ प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। ओके, एक अलग ही मतलब ये थ्योरी है, इसको किसी और वीडियो में समझेंगे, फिलहाल ये समझो कि यहाँ पे क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 37 वेगनर हाइपोथेसिस वॉज, सॉरी ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दो ही ऑप्शन, यहाँ पे तीन ही ऑप्शन था। तो यहाँ पे लिखा है वेगनर हाइपोथेसिस वॉज दैट द लैंड मासेस हैड बीन जॉइंड टुगेदर एज पांजिया एंड हैव सिंस ड्रिफ्टेड अपार्ट, दैट द कॉन्टिनेंट डू नॉट मूव, दैट अर्थक्वेक हैड कॉज्ड द लैंड मासेस टू मूव। तो वेगनर हाइपोथेसिस क्या है, तो यहाँ पर देखो वेगनर हाइपोथेसिस क्या है, दैट द लैंड मासेस हैव बीन जॉइंड टुगेदर एज पांजिया एंड हैव सिंस ड्रिफ्टेड अपार्ट, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, ठीक है। तो वेगनर हाइपोथेसिस मतलब क्या है, एक ऐसा लैंड मास जो एक दूसरे से ज्वाइन हुए और पंजिया बने, मतलब पहले ये पंजिया ही था, ठीक है, सारा दूसरे में जुड़ा हुआ था, लेकिन जब ये आपका ड्रिफ्ट, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है ना, तो ये क्या हुआ, ये सब अलग भागों में होगा टूट टूट के, ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से हुआ है। तो इनका हाइपोथेसिस क्या बताता है कि कॉन्टिनेंट एक जो फॉर्म हुआ वो एक सिंगल लैंड मास था, पहले पंजिया था, बिफोर मतलब अब टूटने से पहले ये पंजिया था और फिर उसके बाद ये जो ड्रिफ्ट कर गए हैं दूसरे दूसरे लोकेशन पे, ठीक है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 28 द मेसोसोरस फॉसिल बीइंग फाउंड ऑन द टू साइड्स ऑफ एन ओशियन आर द रिजल्ट ऑफ, इसको ये थोड़ा सही कर लीजिएगा इसको, मेसोसोरस फॉसिल्स जो है वो दोनों साइड में पाए जाते हैं ओशियन के, किसका रिजल्ट है वो, अर्थक्वेक कहा, लैंड ब्रिज कहा, मेसोसोरस स्विमिंग अक्रॉस द स्विम या फिर मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना मेजर रोल प्ले करते हैं, ये मेसोसोरस फॉसिल्स जो है ये पाए जाते हैं ओशियंस के दोनों साइड में, तो ये किसका रिजल्ट है, द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ओके, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, द रिंग ऑफ फायर रिफर्स टू द वोल्केनिक दैट वोल्केनोस दैट आर, कहता है जो रिंग ऑफ फायर है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। कहता है कि जो रिंग ऑफ फायर है ये रिफर करता है किसको, वोल्केनोस को, तो वो क्या होते हैं, कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, लोकेटेड इन अफ्रीका, लोकेटेड इन हॉटस्पॉट, लोकेटेड अराउंड द बॉर्डर ऑफ द पैसिफिक ओशन एंड सराउंडिंग कॉन्टिनेंट्स, या फिर अमेरिका में लोकेटेड है। तो जो रिंग ऑफ फायर है ना ये मोस्टली आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, पैसिफिक ओशन में, ठीक है, पैसिफिक ओशन में देखने को आपको ये रिंग ऑफ फायर मिल जाएगा। दूसरा ये कहता है कि कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये देखो यहाँ पर लिखा है लोकेटेड अराउंड द बॉर्डर ऑफ पैसिफिक ओशन एंड सराउंडिंग कॉन्टिनेंट, तो जो भी पैसिफिक ओशन के सराउंडिंग मतलब कॉन्टिनेंट है वहां पे आपको रिंग ऑफ फायर जोन देखने को मिलता है, ठीक है, पैसिफिक ओशन याद रखिएगा, यहाँ पे ज्यादातर जो ये आपको वोल्केनोज है ना वो देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर देखो कुछ चीजें लिखी हुई है, रिंग ऑफ फायर इज क्रिएटेड बाय द टेक्टोनिक प्लेट्स, तो रिंग ऑफ फायर किसके द्वारा होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स के द्वारा होती है, पुशिंग अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के अगेंस्ट जब पुश करोगे किसी चीज को तब ये आपका रिंग ऑफ फायर बन जाएगा। स्पेसिफिकली वेन अ प्लेट कैरिंग ओशियन, जब कोई प्लेट ओशियन लिया हुआ है, जैसे कि ओशनिक प्लेट बोल लो, कि पुशिंग अगेंस्ट अ प्लेट कैरिंग लैंड, अब जैसे कोई एक ओशनिक प्लेट है और ये एक लैंड प्लेट है, दोनों एक दूसरे से जब क्या होंगे पुश करेंगे एक दूसरे को अपनी तरफ, तो ओशियंस विल ऑलवेज लूज बिकॉज इट इज हैवियर, कहता है कि हमेशा ओशन जो है वो लूज कर जाएगा क्योंकि वो हैवी होता है। द वॉटर डिसेंड इन टू द अर्थ एंड मिक्सिस विद द मोल्टन रॉक, अब इस तरीके से क्या होगा कि ये लैंड के ऊपर चढ़ेगा और ये जो है मिक्स हो जाएगा मोल्टन रॉक्स के साथ, और हीट ऑफ द अर्थ टू मेक मोर मैग्मा, अब इस तरीके से जो है अर्थ में मैग्मा का फॉर्मेशन और ज्यादा होने लगे, जब मैग्मा होने लगे तो वोल्केनो उस तरीके से फटना शुरू हो जाएगा, तो इस तरीके से ये रिंग ऑफ फायर बन जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 दिस पिक्चर शोज अ वोल्केनो दैट ऑलरेडी इरप्टेड इन ओरेगन, दैट टाइप ऑफ वोल्केनो इज कॉल्ड, इमेज में देख पा रहे हो ये वोल्केनो आपको दिख रहा है, ये इरप्ट हुआ है ओरेगन में, ये किस टाइप का वोल्केनो यहाँ पे कह रहा है, शील वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो, कंपाउंड वोल्केनो या फिर कैलडेरा, तो भैया ये कैलडेरा है, क्या है, कैलडेरा, ठीक है। अच्छा, तो कैलडेरा, देखो कैलडेरा की बात करें तो कैलडेरा जो है एक लार्ज कॉल्ड्रोन लाइक हॉलो दैट फॉर्म्स शॉर्टली आफ्टर द इम्पैक्टिंग ऑफ मैग्मा चैम्बर इन अ वोल्केनिक इरप्शन, तो ये कैलडेरा जो है कब फॉर्म होता है, यहाँ पे कहता है कि एक मतलब कॉल्ड्रोन कह लो, कॉल्ड्रोन लाइक हॉलो टाइप का होता है, ये कब फॉर्म होता है, मतलब बहुत कम समय के लिए बनता है, जब मैग्मा चैम्बर खाली हो जाता है ना, मतलब मैग्मा सारा बाहर आ जाता है जब वोल्केनिक इरप्शन जब होता है उसमें, तब जब खाली हो जाता है तब ये कैलडेरा फॉर्म होता है, तो जब मैग्मा चैम्बर लॉस्ट हो जाता है तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है रॉक्स को, ठीक है, तो याद रखिएगा ये कैलडेरा टाइप का वोल्केनो है, ये दिख पा रही इमेज में, ठीक है। आज क्वेश्चन 31 पे, मैग्मा कंपोजिशन हेल्प शेप अ वोल्केनो, व्हाट सब्सटेंस डिटरमाइन वेदर मैग्मा इज चंकी और फ्लोई, दिस इज ए पिक्चर ऑफ इट, इमेज में देख पा रहे हो ये मैग्मा कंपोजिशन, यहाँ पे कह रहा है कि जैसे मैग्मा कंपोजिशन में क्या हेल्प करता है,
मैग्मा जो है एक कंपोजिशन है, तो ये हेल्प करता है किसी के वोल्केनो को शेप देने के लिए, ठीक है। तो मैग्मा कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा सब्सटेंस ये डिटरमाइन करता है कि मैग्मा जो है वो चंकी है या फिर फ्लोई है। तो इमेज में आपको पिक्चर दिया हुआ, ये देख के बताओ तो सैंड है, सिल्ट है, सिलिका है, सॉइल है। तो सिलिका, सिलिका सब्सटेंस ऐसा है जो बता सकता है कि मैग्मा चंकी है या फिर फ्लोई है, ठीक है। तो ये कंपोजिशन याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 32। व्हेन द सरफेस ऑफ लावा कूल्स एंड हार्डन बट द लावा अंडरनीथ स्टिल रेडली फ्लो, दिस इज कॉल्ड, कहता है कि जब जो सरफेस है लावा का वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है और हार्ड हो जाता है, लेकिन जो लावा है ना अंदर में वो ऑलरेडी जल रहा है, वो फ्लो कर रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लावा फ्लो, प्रोक्लास्टिक फ्लो, लाहर या फिर लावा ट्यूब, उसको हम लावा ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लावा ट्यूब, उसको हम लावा ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो जो सरफेस ठंडा हो जाता, जब सरफेस पे लावा ठंडा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, लेकिन अंदर में जो लावा अंदर में है, रह गया है, वो ऑलरेडी फ्लो है, चल रहा है, देख पा रहे हो इमेज में इस टाइप से होता है। तो ये क्या है? ये लावा ट्यूब होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो आई होप आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो लाइक तो बिल्कुल कर ही दीजिए आप लोग, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमसे इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए, ओके। अच्छा, इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। बाकी आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी एग्जाम जल्दी होने वाला है तो आप जो है लग जाइए इसमें बहुत अच्छे से, और प्रिपरेशन अच्छे से रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। तो इफ यू टॉक अबाउट, अगर हम बात करें कि कैसे प्रिपरेशन करना है आपको, तो यू शुड बी मोर अलर्ट देन अर्लियर। जितना अभी आप तैयारी कर रहे थे उसी कंपैरिजन में आपको अपनी तैयारी काफी ज्यादा, मतलब अभी पुश करने की जरूरत है, काफी ज्यादा उस पर वर्क करने की जरूरत है, ठीक है, तभी जाके ये एग्जाम निकल पाएगा आपको। यूपीपीएससी की बात करें तो ये बहुत ही गजब का संस्था है, मतलब काफी हायर लेवल की बात करें अगर हम तो ये वैसी संस्था है, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन है तो ऑब्वियसली आप जान सकते हो, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी आपने प्रीलिम्स दे दिया एग्जाम और फिर आप क्वालिफाई हो गए, तो प्रीली है, मेंस है, तो यहाँ तक जाना ही बहुत बड़ी बात होती है, तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी रखनी होगी, ओके। चलो फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।